पीएम मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर कई राज्यों में चुनावी दौरा कर रहे हैं और इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पहुंचे बंगाल। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के हुगली में चुनावी जनसभा करने गए, लेकिन मंच पर पहुंचने से पहले बैक स्टेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी कल्पना कर सकते हैं, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चल रहे एसपीजी वालों ने। हुआ यूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बैक स्टेज से स्टेज तक पहुंचने के लिए चल रहे थे, तो उस दौरान कुछ बीजेपी की महिला कार्यकर्ता और पुरुष कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए वहां खड़े थे। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसे ही आगमन होता है तो बीजेपी की तमाम महिला कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर रोने लगती है, उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो लोग प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करती हैं, जिसके बाद तुरंत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें उठाते हैं और खुद झुककर उन्हें नमस्कार करते हैं। लेकिन ये जनता है, ये जनता का प्रेम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुकने से भी नहीं रुकता है। हर एक लोग वहां भावुक हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर किसी को सर पर आशीर्वाद देते हैं, उन्हें उठाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके आंसुओं को पोंछते हैं। उसके बाद जब उन तमाम महिलाओं से मीडिया ने बातचीत की और पूछा कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर क्या अनुभूति हुई, क्यों रोने लगे, तो उन्होंने कहा कि हमने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने करीब से देखने को मिलेगा और देखने के बाद ये खुशी के आंसू हैं जो बहने लगे। साथ ही साथ ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए भी जवाब है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना एक तानाशाही शासक से करते हैं, जो कहते हैं कि भारत से लोकतंत्र खत्म हो चुका है, जो कहते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री नहीं राजा बैठा है और इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति इस देश को चलाते हैं, तो शायद उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो एक जवाब है कि देश को प्रधानमंत्री चलाता है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNN World.